डियर लर्नर्स, आज हम लोग एरे के एक एग्जांपल पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एरे के कॉन्सेप्ट पर बात किया था, आज सिक्वेंशियल सर्च के प्रोग्राम पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले वर्ड आया सर्च। सर्च का अर्थ होता खोजना। जैसे कुछ रखा हुआ है, हम लोग बचपन में भी खेलते थे हाइड एंड सीक गेम, उसमें खोजने का काम होता था, इसलिए उन्होंने सर्च। अब है सिक्वेंशियली, अब सर्च करना है, वो भी कैसे सिक्वेंशियली। जस्ट लाइक एग्जांपल, अगर यह कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में कुछ एलिमेंट्स रखे गए हैं और कोई कह दे कि इस कंटेनर से 7 को खोजना है, और खोजने का तरीका बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह का तरीका हो सकता है, उसमें से एक तरीका है सिक्वेंशियल सर्च। कैसे सर्च करेंगे? पहले 7 को लेंगे, 4 के पास जाएंगे, कंपेरिजन करेंगे, देखेंगे कि जो हमारा सर्चिंग वैल्यू जिसको हम लोग की कहते हैं वह इसके बराबर है या नहीं। तो देखिए कि बराबर नहीं है, नहीं है तो क्या काम करेंगे, उस एरे के सेकेंड पोजिशन पे जो हमारा फर्स्ट लोकेशन है, क्योंकि एरे का इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है। तो या एरे के 0 पोजिशन पर 4 है और की वैल्यू जिसको खोजना था वो हमारा 7 था, 7 जो है 4 के बराबर नहीं है, अर्थात डेटा इज नॉट फाउंड। अब क्या काम करेगा दूसरे बार, या 7 का कंपेरिजन, जो हमारा की वैल्यू है, की वैल्यू का कंपेरिजन उस एरे के फर्स्ट लोकेशन पे रखे डेटा के साथ करेंगे, अभी भी वो मैच नहीं किया, डेटा इज नॉट फाउंड। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और उस की वैल्यू को उस एरे के सेकेंड पोजिशन पे रखे एलिमेंट के साथ कंपेरिजन करेंगे, अभी भी मैच नहीं कर रहा है, डेटा इज नॉट फाउंड। अब इस की वैल्यू को उस एरे के थर्ड पोजीशन के साथ करेंगे और डेटा मिल जाएगा। यहां पर सर्चिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं सिक्वेंशियली, लाइन बाय लाइन, पहले उस एरे के 0th पोजीशन पे रखे एलिमेंट के साथ किए, उस एरे के फर्स्ट पोजीशन पे रखे एलिमेंट के साथ किए, फिर सेकेंड पोजीशन पर रखे एलिमेंट के साथ किए, इस तरह से हम लोग n-1 पोजीशन पर रखे एलिमेंट के साथ करते हैं। अगर कोई सर्चिंग टेक्निक इस तरह से परफॉर्म किया जाए जिसमें सर्चिंग का ऑपरेशन सिक्वेंशियली या लिनियरली परफॉर्म होता है, वैसे सर्चिंग टेक्निक को हम लोग सिक्वेंशियल सर्च टेक्निक के नाम से जानते हैं। अब इसका इंप्लीमेंटेशन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग किस प्रकार से करते हैं उसके लिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जाने सिक्वेंशियल सर्च टेक्निक क्या होता है। सिक्वेंशियल सर्च इज द टेक्निक इन विच सर्च द डेटा सिक्वेंशियली। अब सिक्वेंशियली किस प्रकार से करते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। यदि हमें सर्च करना है, सर्च करने के लिए सबसे पहले एक एरे बनाना होगा और उस एरे में डेटा स्टोर करना पड़ेगा। अगर हम लोग एक एरे बना रहे हैं 10 साइज का, तो उसका इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा और अप टू 9 तक जाएगा। एरे का इंडेक्स वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो अब इसके लिए हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, has define size 10। अर्थात हम लोग 10 साइज का एक एरे बना लिया। यहां जैसे ही चेंज करेंगे वैल्यू, ऑटोमेटिकली जहां जहां साइज वर्ड लिखे हैं वहां ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। void main int arr size, हम लोग पहले डिक्लेयर कर चुके हैं साइज का वैल्यू 10, ऑटोमेटिकली वो एक एरे बनेगा जो इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करेगा और उसका साइज 10 होगा। इंडेक्स की और एक इंडिकेटर के रूप में फ्लैग नाम का वेरिएबल ले लिया, सी एल आर
SCR स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अब उस एरे में इनपुट करना है डेटा। अब हम लोग जानते हैं इसके लिए हमें लूप चलाना होगा, और फॉर लूप के बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि फॉर लूप के तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट यह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि लूप कहां से शुरू होगा। सेकेंड पार्ट यह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लूप कहां तक चलेगा। और थर्ड पार्ट हमारा अपडेशन पार्ट होता है जो यह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लूप बढ़ेगा या घटेगा। तो फॉर के अंदर हम लोग लिखेंगे, इनिशियलाइज करेंगे इंडेक्स वैल्यू जीरो से, या इंडेक्स वैल्यू लेस देन साइज तक चलेगा, इंडेक्स प्लस प्लस प्रिंट एफ इनपुट द डेटा स्कैन एफ का काम कीबोर्ड से इनपुट करना होता है। स्कैन एफ का फुल फॉर्म स्कैन फॉर्मेटेड होता है। M% ARR इंडेक्स जो इनपुट करने का काम होगा उस वह उस एरे के इंडेक्स पोजीशन पर होगा। एक सर्चिंग डेटा इनपुट करेंगे, जिस सर्चिंग डेटा को हम लोग की कहते हैं प्रिंट एफ इनपुट द सर्चिंग डेटा। इनपुट करेंगे हम लोग सर्चिंग डेटा को, स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट की जो इनपुट करेंगे वह की नाम के वेरिएबल पर स्टोर हो जाएगा, अर्थात कंप्यूटर के मेमोरी में एक की नाम का वेरिएबल बनेगा और वह की नाम का वेरिएबल 2 byte स्पेस ऑक्यूपाई करता है। फ्लैग का वैल्यू हम लोग जीरो से इनिशियलाइज कर दिए। अब सर्चिंग ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे। आगे हम लोग लिखेंगे इस तरह से सीक्वेंशियल सर्च, ये कमेंट लाइन है, सीक्वेंशियल सर्च फॉर सर्चिंग का काम कहां से शुरू करेंगे। तो हम थोड़ा देर पहले बताएं कुछ क्षण पहले कि हम लोग सर्चिंग डेटा जो की है उसका कंपैरिजन उस एरे के जीरो पोजीशन पर रखे एलिमेंट के साथ करेंगे, और करते हुए तब तक करेंगे जब तक हमारा डेटा मिल ना जाए। कभी कभी यह सिचुएशन भी हो सकता है कि वह डेटा का रिपीटिशन हो, वह डेटा चौथा पोजीशन छठा पोजीशन या सातवां पोजीशन तीन बार हो चार बार हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ क्षण ऐसा भी हो सकता है जो डेटा को हम लोग खोज रहे हैं वो डेटा ही ना मिले, तो कहां से जीरो पोजिशन तक, कहां तक साइज माइनस वन पोजिशन तक। तो इसको लिखेंगे इस तरह से इंडेक्स इक्वल टू जीरो से। हम लोग जानते हैं कि फॉर के अंदर तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट इंफॉर्मेशन यह प्रोवाइड करता है लूप कहां से शुरू होगा, तो कहां से जीरो से कहां तक लेस देन साइज तक इंडेक्स वैल्यू हमारा बढ़ता जाएगा। इफ यदि एरे के इंडेक्स पोजीशन पे रखा डेटा बराबर पाया गया किसके सर्चिंग डेटा की के, तब प्रिंट एफ करेगा प्रिंट एफ डेटा इज फाउंड परसेंट डी पोजीशन और इंडेक्स में इंक्रीमेंट होगा, तो लिखेंगे इंडेक्स प्लस वन, क्योंकि हमारे लोगों के लिए इंडेक्स वैल्यू एरे के लिए जीरो से स्टार्ट होती है गिनती, हम लोग के लिए गिनती वन से। अगर उसका सेकेंड पोजीशन है तो हमारे लिए वो थर्ड पोजीशन होगा, इसीलिए यहां पर इंडेक्स प्लस वन लिखा गया। फ्लैग का वैल्यू वन इनिशियलाइज कर दिए।
अगर डेटा मिलेगा और इस पार्ट के अंदर जाएगा तब फ्लैग का वैल्यू जो पहले जीरो था वह फ्लैग के वैल्यू में चेंजिंग आएगा, वह फ्लैग का वैल्यू वन हो जाएगा। इफ फ्लैग इक्वल टू जीरो, यदि फ्लैग का वैल्यू जीरो है, इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा कि इस पार्ट के अंदर नहीं गया है। अगर इस पार्ट के अंदर जाता तो फ्लैग का वैल्यू वन हो जाता। प्रिंट एफ डेटा इज नॉट फाउंड गेट सी एच और स्क्रीन को रोक दिए। हम लोग इस प्रोग्राम में सर्चिंग का ऑपरेशन सिक्वेंशियली परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले डेटा को इनपुट किए एक एरे में, उस एरे के जीरोथ पोजीशन पर स्टोर किए, उस एरे के फर्स्ट पोजीशन पर किए, इस तरह से साइज माइनस वन पोजीशन तक स्टोर किए। तत्पश्चात इनपुट किए सर्चिंग डेटा जिसको की कहा गया, और इनपुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में सर्चिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किए और सर्चिंग का काम उस एरे के जीरो पोजीशन से शुरू किए, करते हुए साइज माइनस वन पोजीशन तक गए। अगर डेटा हमारा एरे के इंडेक्स पोजीशन पर रखा डेटा की के बराबर होता है तो डेटा इज फाउंड दिखाता है, साथ ही साथ वह फ्लैग का वैल्यू वन हो जाता है। इस तरह से हम लोग सर्चिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किए, इसे हम लोग सिक्वेंशियल सर्च टेक्निक के नाम से जानते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग बाइनरी सर्च और सॉर्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।